जब वो दुनिया से जा रहे हैं तो उस वक्त हालत ये थी कि पूरे बरे सगीर में 1% भी बंदा अहमदी नहीं था और पूरी दुनिया में 1% बंदा उनको मानने वालों में नहीं था। और सिर्फ उनके पंजाब की अगर बात करें तो भी 1% बंदा भी उनको मानने वाला नहीं था। तो फिर वो इनकलाब कहाँ था जिसके बारे में नबी की सल्लम ने इतनी शान के साथ पेशगोइयाँ की थी? अगर ये उस इनकलाब के मिस्दाक थे, अगर ये उन जो पेशगोइयों के मिस्दाक थे, तो फिर वो इनकलाब कहाँ था? वो कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सके, ना वो मुसलमानों में कोई इतनी बड़ी तब्दीली ला सके, ना दुनिया को वो बता सके कि मैं दुनिया में आया और मैं ये करके जा रहा हूँ। आज भी दुनिया का बहुत सा इलाका ऐसा है जिनको ये भी नहीं पता कि इस तरह के कोई इमाम अहमदी जिसको वो क्लेम करते हैं या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नाम का बंदा कोई दुनिया में आया था, और उनको आके गए हुए भी 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। आज भी अहमदी क्लेम नहीं कर सकते कि वो किसी भी मुल्क में 1% है, किसी भी मुल्क में 1% नहीं है। तो वो कहाँ है इनकलाब, वो कहाँ है उनके वो दलील? ये तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपने उस दावे को गलत साबित कर दिया। ना कोई इनकलाब आया, ना इस्लाम गालिब आया, बल्कि 6 अरब की आबादी में से उनकी जिंदगी में 1 लाख भी उन पर ईमान ना ला सका। ये इस तरह है कि 60,000 की आबादी में से सिर्फ 1 आदमी बात माने, इसे कौन इनकलाब समझेगा? सच तो ये है कि मिर्जा साहब अपनी नाकदरी और नामकबूलियत से अपने आप को झूठा साबित कर गए। फिर उनके जानशीनों के 100 साल भी उनकी पहचान ना करा सके।